हमने ब्राउज़र में टाइप किया किसी वेबसाइट का यूआरएल। वेबसाइट यूआरएल मैप होता है एक आईपी एड्रेस से। ये आईपी एड्रेस है 7 समुंदर पार उस सर्वर का जिस पर हमारी वेबसाइट की सभी फाइल्स स्टोर हैं। अब इंटरनेट के द्वारा ये सर्वर वेबसाइट दिखाने के लिए जो फाइल्स चाहिए वो ब्राउज़र को भेज देगा। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है HTML फाइल, जिसमें वेबसाइट का सारा कंटेंट लिखा होता है। ब्राउज़र जब इस HTML की फाइल को प्रोसेस करता है तो साथ साथ इसका एक ट्री जैसा डाटा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डोम। डोम के अंदर सभी HTML के एलिमेंट्स, उनकी स्टाइलिंग, उनके अंदर का टेक्स्ट और कमेंट्स भी स्टोर होते हैं। तो फाइनली ये डोम ही होता है जो वेबसाइट पर लोड होता है। अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम इस डोम को मैनिपुलेट यानी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, और फिर वो बदलाव हमारी वेबसाइट पर दिख जाएगा। डोम को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। तो बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए लिखो डॉट बॉडी और इसका बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं रेड। तो किसी भी वेबसाइट पर आप कोई भी इंटरेक्टिविटी देखोगे वो सब डोम मैनिपुलेशन से ही पॉसिबल है। जैसे किसी बटन पर क्लिक करके पॉपअप दिखाना, माउस की मूवमेंट के हिसाब से वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना, सब कुछ इसी से ही मुमकिन है।